हेलो एवरी वन इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ फ़ूड लास्ट लेक्चर में हमने फ़ूड चैप्टर स्टार्ट किया था फ़ूड uh, के बारे में हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन क्या होती है फूड न्यूट्रिश सब्सटेंस होता है जो uh, uh, किसी भी ऑर्गेनिज़म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है तो ऐसे क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको न्यूट्रिशियस बनाते हैं तो वो कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट के एग्जांपल हो गए कार्बोहाइड्रेट फैट्स वाइटाम्स उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि क्यों इंपॉर्टेंट है फ़ूड हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी उनके बहुत सारे वाइटल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ग्रोथ के लिए मटीरियल प्रोवाइड कर रहा है उसके अलावा <coughs> कोई भी सेल या टिश्यू डैमेज हो गया है तो रिपेयर वो करवा रहा है उसके अलावा डिसीज़ से अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इसके अलावा हमने डिफरेंट एनिमल्स देखे थे अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट वो किस तरह का फूड कंज्यूम करते हैं इस बेसिस पे हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग एनिमल्स Uh, को डिस्कस किया था आज हम सोर्सेज ऑफ़ फ़ूड से स्टार्ट करेंगे uh, तो हमने डिफ़ाइन uh, कर दिया फ़ूड को लेकिन ये फूड ओरिजिनेट हो कहाँ से रहा है कहाँ से वो हमें मिल रहा है तो दे आर टू मेन सोर्सेज ऑफ़ फ़ूड सोर्स क्या होता है uh, वो प्लेस जहाँ से uh, कोई भी सब्सटेंट कोई भी चीज़ जो है वो ओरिजिनेट हो रही है हम वहाँ से उसको uh, निकाल ले रहे हैं या हम वहाँ से उसको डिराइव uh, कर रहे हैं तो वो होता है सोर्स तो दे आर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड दैट इज़ एनिमल एंड प्लांट्स जैसे कि हमने अलग अलग एनिमल्स uh, पढ़े थे ना ऑन द बेसिस ऑफ दे फूड हैबिट तो हमने क्या देखा था कि कुछ एनिमल uh, जो हैं वो प्लांट पे ही फीड कर रहे हैं तो वो थे हर्बी बोर्स तो प्लांट एक मेन सोर्स क्या हो गया प्लांट भाई प्लांट भी जो है वो क्या है एक सोर्स है फूड का जिस पर एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड है दूसरा ऑर्गैनिज एनिमल हमने पढ़ा था कार्निवोर्स वो फीड कर रहा है किसी और एनिमल पर तो दूसरा जो सोर्स हो गया फ़ूड का वो क्या हो गया एनिमल हो गया तो दो मेन सोर्सेज हो गए फूड के एक हो गया प्लांट और दूसरा हो गया एनिमल तो वही आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सोर्सेज ऑफ फूड There are two main sources of food. First is plant, and second one is animals. एक है प्लांट और एक एनिमल दो ही सोर्स फूड के जहां से किसी भी ऑर्गेनिज्म जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड कर सकता है हर भी सोर्स से उनके लिए प्लांट हो गया कानी से एनिमल कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए दोनों ही सोर्स प्लांट है प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड प्लांट uh, जो है वो भी सर्व uh, करता है एज अ फूड ऑफ सोर्स तो प्लांट uh, के वो पार्ट्स uh, जिनको हम कंज्यूम करते हैं वो होते हैं एडिबल पार्ट्स तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के सर्व एज अ वैरायटी सोर्स ऑफ वेराइटी ऑफ फूड तो अलग अलग पार्ट्स हैं प्लांट के जहाँ uh, जो बहुत सारे वेराइटी uh, का जो है फ़ूड वो प्रोवाइड करते हैं तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पार्ट different parts of plant serve as source of wide variety of food अलग अलग parts हैं अलग अलग type के अलग अलग variety के वो food provide करते हैं now next is edible पार्ट्स ऑफ प्लांट एडिबल मीन्स पार्ट्स विच कैन बी ईटन जिसको हम खा सकते हैं या कंज्यूम कर सकता है कोई भी एनिमल उस पार्ट को हम बोलते हैं एडिबल विच कैन बी ईटन तो फर्स्ट एज प्लांट रूट्स अब प्लांट एडिबल पार्ट वो हो गया जिसे कोई भी एनिमल जो है वो कंज्यूम कर सकता है जिसे वो uh, ले सकता है एज़ अ फूड तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट रूट्स के बारे में तो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कैरेट हो गया टर्नीप हो गया रेडिश हो गया तो इनके जो रूट्स हैं वो एडिबल हैं उनको हम एज़ अ सोर्स ऑफ फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं तो एग्ज़ाम्पल कैरेट टर्निप श तो ये वो प्लांट है जिनकी रूट एज अ फूड कंज़्यूम की जाती है नेक्स्ट एज प्लांट स्टैम अब कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनकी स्टेम जो है एज़ अ फूड कंज़्यूम की जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन मस्टर्ड ये प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स को एज अ फूड कंज्यूम किया जाएगा जैसे शुगर कैन है शुगर कैन इज़ यूज़ टू प्रिपेयर या इज़ यूज़ टू इज यूज़ टू प्रिपेयर शुगर शुगर बनाने के लिए uh, जो शुगर कैन की स्टेम है uh, वो uh, जो शुगर कैन है वो एक स्टेम है और वो यूज़ किया जाता है शुगर बनाने के लिए उसके अलावा नेक्स्ट uh, थर्ड इज प्लांट लीव्स अब कुछ प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स को uh, हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेनिच करी लीव करी लीव्स कैबेज ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं उनको एज अ फूड कंज़्यूम किया जाता है नेक्स्ट इज़ फ्लार अब कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनको एज अ फूड जो है वो कंज़्यूम किया जाता है फ़ॉर एग्जांपल ब्रोकली कॉलीफ्लावर ये जो होते हैं ये फ्लावर्स होते हैं ये जो ये जो पार्ट हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं ये फ्लावर वाला पार्ट होता है और इस फ्लावर वाले पार्ट को हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड उसके अलावा जैसे रोज़ पैटल्स हैं रोज़ पैटल्स आर यूज़ टू मेक जैम्स एंड गुलकंद जो रोज़ की जो पैटल्स होती हैं जो उसकी पत्तियाँ होती हैं उसको यूज़ किया जाता है जेम्स और गुलकंद बनाने के लिए उसके अलावा जो बनाना होते हैं उसका जो फ्लावर होता है साउथ इंडिया में उसको भी कंज्यूम किया जाता है एज़ अ फूड नेक्स्ट एज़ फ्रूट कुछ uh, जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी uh, कंज़्यूम किया जाता है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल टमाटो ब्रिंजल ये भी एज अ वेजिटेबल्स इनको यूज़ किया जाएगा uh, कुछ uh, जो प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं को यूज़ किया जाता है तो ये uh, इन सबको uh, जैसे स्टेम uh, हो गई या रूट्स हो गया लीव्स हो गए इनको एज अ वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं जैसे ये फ्रूट्स हैं टमेटो हो गया ब्रिंजल हो गया तो ये एज uh, अ वेजिटेबल ये यूज़ किए जाते हैं वेजिटेबल वो पार्ट होता है प्लांट का जो नॉन uh, सीड होता है नॉन सीड कंटेनिंग पार्ट होता है मतलब वो सीड वाला पार्ट नहीं होगा तो उस जैसे स्टेम्स है जैसे लीव्स हैं जैसे रूट्स हैं ये जो होते हैं ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ये कैसे होते हैं ये होते हैं नॉन सीड कंटेनिंग पार्ट तो इनको जो नॉन सीड कंटेनिंग पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनको हम वेजिटेबल्स बोलते हैं तो नेक्स्ट वेजिटेबल्स uh, नॉन सीड नॉन सीड कंटेनिंग पार्ट ऑफ प्लांट वेजिटेबल्स उनको हम बोलेंगे वेजिटेबल्स एग्जांपल स्टेम लीव्स रूट्स ये uh, हैं वेजिटेबल्स uh, उसके अलावा जो नेक्स्ट हैं जो सीड्स होते हैं प्लांट के उनको भी कंज्यूम किया जाता है एज अ फ़ूड फॉर एग्जांपल सीरियल्स पल्सेस ये सीड्स uh, के एग्जांपल है जिनको हम एज अ फूड कंज़्यूम करते हैं सीरियल्स जो होते हैं वो गुड सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के पल्सेस जो होती हैं वो गुड सोर्स होती हैं प्रोटीन्स का तो ये हैं सोर्स प्लांट प्लान्टोरसेज प्लांट के पार्ट्स हैं जो हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं फर्स्ट है प्लांट रूट्स प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसको हम एज अ फूड कंज्यूम करेंगे कैरेट, टर्निप, रेडिश हो गया प्लांट की जो स्टेम्स हैं फॉर एग्जांपल शुगर केन मस्टर्ड कुछ अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम भी होती है सर्टन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम जो हमने uh, uh, अगर प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था अबाउट मॉडिफाइड अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम जैसे हमने जिंजर था पटैटो था अनियन था तो इनका क्या होता है अंडरग्राउंड स्टेम होती है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होती है और उन मॉडिफाइड स्टेम को भी एज अ सोर्स ऑफ फ़ूड हम कंज्यूम करते हैं जैसे शुगर केन है तो शुगर बनाने के लिए वो यूज़ की जाती है प्लांट है स्पेनिज करी लीव्स हो गई कैबिज हो गया लेट्यूसी हो गया तो ये लीव्स होती हैं जो हम एज अ वेजिटेबल या एज अ फूड हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं उसके अलावा कुछ फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट के जो उनको भी कंज्यूम किया जाता है जैसे ब्रॉकली है उसके अलावा कॉलीफ्लावर है रोज़ के जो पेटल्स हैं उनको भी यूज़ किया जाता है जैम्स वगैरह बनाने के लिए बनाना के जो फ्लावर है इन साउथ इंडिया वो यूज़ किया जाता है एज़ अ फूड इसके अलावा फ्रूट्स होते हैं जैसे टमेटो है ब्रिंजल है पम्पिन है तो ये जो फ्रूट्स हैं इनको भी यूज़ किया जाता है एज अ फूड तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वेजिटेबल्स जो होते हैं हम बोलते हैं जनरली वेजिटेबल्स तो वेजिटेबल्स वो पार्ट होता है प्लांट का जो नॉन सीड कंटेनिंग पार्ट है फॉर एग्जाम्पल जैसे लीव्स रूट इस टाइम हमने अभी डिस्कस uh, किया इसके बारे में इसके बाद सीड्स प्लांट के जो सीड्स होते हैं ना उनको भी हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स हो गए पल्सेज हो गए तो इनको हम एज अ फूड जो है वो यूज़ uh, करते हैं नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट सॉरी एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड अभी इस लेक्चर में हमने सोर्सेज uh, स्टार्ट किया टू मेन सोर्सेज हैं प्लांट्स और एनिमल्स हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फ़ूड के प्लांट से भी जो है वो फ़ूड हमें मिलता है जब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फ़ूड एनिमल से हमें आ, क्या क्या जो है फूड या कौन कौन सा जो पार्ट है या हमें किस तरह से जो फूड है एनिमल से हमें मिलेगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थैंक यू